महाराष्ट्र में एक मामला सामने आया है जिसके तहत जेल में सजा काट रहे एक व्यक्ति का चश्मा जेल में चोरी हो गया था, जिसके बाद जब उस व्यक्ति के परिजनों ने उसे चश्मा देना चाहा तो जेल प्रशासन द्वारा साफ इनकार कर दिया गया। इस बारे में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपनी राय स्पष्ट की है। मुझे कल इसकी जानकारी मिली है, मैं पूरी डिटेल में और जानकारी ले रहा हूँ कि हकीकत में हुआ क्या है और जो मीडिया में आया वैसा ही हुआ होगा, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है कि ऐसा है कि ठीक है कोई जेल में है और उसका चश्मा टूट गया, घर वाले उसका चश्मा बेचते हैं तो उसको देने में कोई हर्जा नहीं है और हमारा ऐसा हुआ होगा तो हमारे पुलिस वालों ने भी थोड़ा संवेदनशील रहना चाहिए, सेंसिटिव बाकी चीज़ें रहती है और इसमें ऐसी बात घटी होंगी तो मैं उसकी जरूर इंक्वायरी करूँगा और उसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। अधिकारी ऐसे अच्छे रहते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं कि उनको ऐसी चीज़ों में संवेदनशील रहना चाहिए जी, किसी का चश्मा गुम हो गया टूट गया और घर वाले उसको भेज रहे हैं तो इसमें कोई उसको नकारने की कोई बात नहीं, उसमें उसको जरूर इसको देना चाहिए, ये बड़ी संवेदनशील बात है ये, उसके लिए जो हुआ है और उसके ऊपर हम पूरी चौकसी करेंगे और ऐसी बात घटी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।